हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि अंकिता ट्रैवलिंग चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुणे से मुंबई तक जाने के लिए आपको रीजनेबल ट्रैवलिंग के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पे आपको क्या छोटी मोटी चेकिंग्स करनी है, इमिग्रेशन कैसे करना है, उसके बाद थाईलैंड पहुंचने के बाद आपको वीजा कैसे मिलेगा, वीजा की फीस कितने लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या है और वहां पे आपको थाईलैंड में एंट्री कैसे लेनी है, इमिग्रेशन कैसे करना है थाईलैंड पहुंचने के बाद, और एयरपोर्ट से लेके तो आपको पटांग तक मतलब होटल तक कैसे जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में से आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा बांग्ला रोड पे वॉक भी करके आएंगे, थोड़ी सी झलक आपको मिल जाएगी बांग्ला रोड की, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे है। आज हम इतना ही करने वाले हैं। वैसे तो मैं बांग्ला रोड का सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे झलक देखने मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, बिल्कुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे थाईलैंड के सीरीज के वीडियो आपको टाइम पे मिलेंगे। और हाँ, इसके पहले प्लानिंग और बजट का वीडियो आ चुका है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो अभी जाके चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो से भी ज्यादा। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं की, बजट नहीं देखा, तो प्लान कैसे करोगे, जाओगे कैसे थाईलैंड, तो अभी जाके चेक करिए। हम पुणे से बाय बस जाने वाले हैं मुंबई तक। पुणे से मुंबई तक जाने के लिए आपको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे और बस का फेयर जस्ट 450 रुपीज है, एकदम रिजनेबल है ये। हमारा फ्लाइट है मॉर्निंग 5 o'clock का, तो हम पुणे से निकले 6:30, मतलब हम मुंबई में 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और वहां से हमें ऑटो करके जाना है टर्मिनल 2 तक। तो गाइज, अभी हम मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। हम लोग आए पुणे से, यहाँ पे पुणे से आने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम बस से आए, आप खुद की कार से भी आ सकते हो। यहाँ पे पार्किंग की आपको पर डे 1000 रुपीज़ लगेंगे। हम लोग बस से आए तो हमें सिर्फ पर पर्सन 450 रुपीज़ चार्ज लगा है। और इसके अलावा आप कैब करके भी आ सकते हो, उसके लिए आपको 3500 रुपीज़ लगेगा करीब करीब। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे आने के लिए मुंबई में सबसे फास्ट वाला रेलवे स्टेशन बोलिए या फिर बस स्टॉप है अंधेरी ईस्ट का, वहाँ से आपको टर्मिनल 2 पे आना है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाँ, अगर आप फुकेट के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट चाहते हो तो आपको मुंबई से ही बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि पुणे से फुकेट के लिए फ़्लाइट नहीं है। तो आप जहाँ कहीं से भी आ रहे हो, आपको मुंबई ही आना पड़ेगा। अगर आप बैंकॉक के लिए जा रहे हो तो वहाँ के लिए आपको शायद पुणे से फ़्लाइट मिल जाएगी, जो कि अभी अभी शुरू हुई है। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको जाना है सबसे पहले P10 पे, जहां से डिपार्चर्स होते हैं। तो ये है मुंबई एयरपोर्ट, काफी बड़ा है और आपको एयरपोर्ट पे 3 से 4 घंटे पहले पहुंच जाना सही रहेगा, क्योंकि आपको लाइन में लग के चेकिंग करना है, उसके लिए टाइम लग सकता है, तो बेटर है आप जल्दी वहां पे पहुंच जाएं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका चेक इन का प्रोसेस, तो बेटर है, जैसे कि मैंने प्लानिंग के वीडियो में आपको बताया है, कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग बैग में ले, ताकि आपका चेक इन बहुत ही स्मूथली हो जाए। इमिग्रेशन के टाइम पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस पर्पस से थाईलैंड जा रहे हो, तो उस टाइम आपको बताना है कि आप घूमने जा रहे हो। और अगर वीज़ा के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि ऑन अराइवल वीज़ा है, आप वहीं से लेने वाले हो, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हम फुकेट में। टायर्ड लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा जर्नी था, क्योंकि कल 6:30 को हम पुणे से निकले थे, 5 बजे का हमारा फ्लाइट था और यहाँ पे हम 11:30 पहुँच गए हैं। अराउंड 5 आवर्स लगते हैं जर्नी के लिए। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वीज़ा लेना है, तो वीज़ा ऑन अराइवल था। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, जो भी लगते हैं इसके पहले वीडियो में बताए हुए हैं, कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते हैं, तो डिपेंड करता है, बट आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके आए। तो वीज़ा निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है एक नॉर्मल सा, उसके बाद लाइन में लग के वीज़ा लेना है। वीज़ा के लिए आपको 2200 बाद यहाँ पे करना है। तो कैश अगर आपने कैरी नहीं की है तो यहीं पे आपको इमिग्रेशन के साइट में ATM मिल जाएगा, वहाँ से आप कैश पहले विड्रॉ कर ले और उसके बाद आप यहाँ से वीज़ा ले सकते हो। मैंने वैसे आपको इसके पहले वीडियोस में बताया है, कार्ड लोड करके लेके आना है। अगर आपने नहीं लाया है, आपके पास इंडियन रुपी ही है, तो वो भी आपको यहाँ पे एक्सचेंज करके मिल जाएगा,
बट आपको रेट कम ज्यादा मिलेगा, तो बेटर है कि आप कार्ड लोड करके ही लेके आए और यहाँ से एटीएम से कैश विड्रॉ करें। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको एक्सचेंज करना है यहाँ पे मनी, तो आपको कैश ही देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगा। और उसके बाद ये तो हो गया वीज़ा का प्रोसेस, आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा पासपोर्ट पे, उसके बाद आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। एक बार इमिग्रेशन हो जाए उसके बाद आपको लेना है सिम कार्ड, तो वो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। तो हमने सिम कार्ड भी ले लिया है, 8 days के लिए हमने कुछ 299 बात पे किया है। आप जितने दिन रह रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिम कार्ड ले सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल अलाउड है, इंटरनेशनल नॉर्मल कॉलिंग नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप 8 दिन के लिए सिम कार्ड भी ले सकते हो, मतलब जर्नी आपकी बहुत इजी हो जाएगी इसके आगे की। तो चलिए फिर अभी इसके बाद हम जाने वाले हैं होटल, तो इसके बाद हम आपको होटल दिखाएंगे और बाकी टूर्स भी दिखाएंगे सारे दिनों के, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए अभी टैक्सी बुक कर लेते हैं सबसे पहले। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको मिनी बस और टैक्सीज के बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेट्स 180 बात लगने वाले हैं फॉर मिनी बस पटोंग के लिए। तो हम लोग जाने वाले हैं पटोंग, 180 बात पर पर्सन के लिए है और यही सबसे रिजनेबल प्राइस है मिनी बस के। इसके अलावा आपको इससे सस्ता यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। टैक्सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो जैसे कि मैंने बजट के वीडियो में भी आपको बताया था कि आप मिनी बस ही प्रीफर करें, टैक्सी ना लें। तो हमने मिनी बस बुक कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी मिनी बसेस खड़ी भी है, तो हम वेट कर रहे हैं हमारी आने की। मिनी बस जो है वो शेयरिंग बेसिस पे रहती है, जिसमें 9 लोग बैठते हैं और हर किसी को अपने अपने होटल पे ड्रॉप कर दिया जाता है। एयरपोर्ट से पटोंग पहुँचने के लिए आपको करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन क्लॉक जो है वहाँ से 2.5 घंटे से पीछे है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेज करना है कि आप वहाँ पे कब पहुँचने वाले हो, वहाँ पे दिन रहने वाला है या नहीं, ये थोड़ा देख के जाना है आपको। गाइस, तो दिन भर बहुत टायरिंग था, अभी हम फ्रेश हुए हैं, जा रहे हैं बांग्ला रोड, यहाँ की फुकेट की नाइट लाइफ देखने, जो कि रात भर खुला रहता है और काफ़ी फेमस है। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे होटल से 1-2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, तो हम वॉकिंग ही जाने वाले हैं। यहाँ पे गाड़ी भी रेंट करते हैं, बट आज हम नहीं करेंगे क्योंकि दिन निकल चुका है और दिन भर हमने रेस्ट किया है। आपको भी एक बार, मतलब जब भी आप एयरपोर्ट से आते हो, होटल में आने के बाद आपका दिन रेस्ट करने में ही जाएगा क्योंकि रात भर नींद नहीं होती है। और अभी हम जाएंगे बांग्ला रोड देखने, कल से हम प्रॉपर डे टूर करेंगे, उसके प्रॉपर सारे वीडियोस आएंगे। इस वीडियो में आपको बस ये जर्नी कैसे रहा, प्रोसेस क्या रहा वीज़ा का एंड ऑल, और आज का ये बांग्ला रोड देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है कि होटल आपको भी बांग्ला रोड के आसपास ही ढूंढना है और वहीं पे बुक करना है, क्योंकि यहीं से वॉकिंग आपको सारे होटल्स मिल जाएंगे, आपको डिनर लंच के लिए आसपास रेस्टोरेंट्स अच्छे मिल जाएंगे और यहीं पे सारे मार्केट्स भी है, घूमने लायक प्लेसेस है, तो बेस्ट है बांग्ला रोड पे ही होटल बुक करें। तो रास्ते में आपको यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स भी मिल जाएंगे, तो कोई चीज़ ख़रीदनी है तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। और ये हम 1-1.5 किलोमीटर चल के पहुँच चुके हैं बांग्ला रोड पे। यहाँ पे पटोंग बीच भी है जो कि हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइज, अभी हम आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। वेजिटेरियन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे लिए सेम प्रॉब्लम है, रोशन तो कुछ भी खा लेता है। तो अभी हमने ये एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, बांग्ला रोड पे ही है ये रेस्टोरेंट। आपको हर जगह नहीं मिलेगा इंडियन फूड, थाई फूड ही मिलेगा, और हमारे लिए खाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो नहीं खा सकते, इसलिए हमने ये ढूंढा है। जब हम आइलैंड टूर जाएंगे तब हमें शायद एक दिन वो फूड खाना पड़े, थाई फूड खाना पड़े, बट आज के लिए तो ये इंडियन फूड हम इंजॉय करेंगे। तो आपको भी अगर यहाँ पे आना है तो बांग्ला रोड पे ही आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे आप आ सकते हो। हैप्पी फेस। डिनर के बाद मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी को, यहाँ पे ये आइसक्रीम का पार्लर मिलेगा आपको, बांग्ला रोड पे ही है, पटोंग बीच के सामने बिल्कुल। वहाँ पे आप रोज़ एक नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम ट्राई कर सकते हो, हमने तो की है रोज़।
तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। सभी कोई यहाँ से आइसक्रीम ट्राई करता है। आप जब भी जा रहे हो आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये थी बांग्ला रोड की छोटी सी झलक। वैसे फुल वीडियो चैनल पे आने ही वाला है, उसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और थाईलैंड की हमारी पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और बाकी सीरीज देखना बिल्कुल ना भूले। आपको ये वीडियो कैसा लगा, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।